नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन राय आज आपके लिए लेकर आई हूँ चुनावी बुलेटिन। जैसा कि आप जानते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे जिनका रिजल्ट आज घोषित होने वाला है। 5 राज्यों में मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे जिनका रिजल्ट आज घोषित होने वाला है और कहां पर किस तरह का रुझान आया है उससे मैं आज आपको रूबरू कराऊंगी। और अभी तक के अपडेट में पंजाब की बात करूं तो 117 सीटों में से 117 का रुझान आ रहा है, जिसमें कांग्रेस 18 पर, बीजेपी 2 पर और आम आदमी पार्टी 90 पर, यानी कि सबसे आगे चल रही है, और अकाली 6 पर और अन्य 0 पर बढ़त बनाए हुए हैं। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 70 सीटों में से 70 का रुझान आ रहा है, जिसमें बीजेपी 42 पर, कांग्रेस 23 पर और आम आदमी पार्टी 2 पर और अन्य 4 पर बढ़त बनाए हुए हैं। और मणिपुर में 60 में से 60 सीटों का रुझान आ रहा है, जिसमें कांग्रेस 7 पर, बीजेपी 30 पर और अन्य 23 पर। और वहीं मैं गोवा की बात करूं तो 40 सीटों में से 40 का रुझान आ रहा है, जिसमें बीजेपी 18 पर, कांग्रेस 12 पर, TMC 4 पर और आप यानी कि आम आदमी पार्टी 2 पर और अन्य 4 पर बढ़त बनाए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से 400 का रुझान आ रहा है, जिसमें बीजेपी 270 पर है, यानी कि सबसे आगे चल रहा है, और SP 124 पर और BSP 4 पर और कांग्रेस 2 पर और अन्य जो है 3 पर चल रही है। यानी कि सभी नतीजे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाजपा का झंडा हर जगह लहरा रहा है। और पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, जिस सबसे आगे चल रहा है 90 सीटों पर। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि योगी जी का एक बार फिर से चेहरा सजने वाला है। और फिर मिलूँगी मैं कुछ और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।